हाँ जी, तो घर से निकलने लगा हूँ तो ये 1 किलोमीटर है, 16417। घर से निकलते ही जाम, तो मैं अकेला नहीं जा रहा, दिखाता हूँ किसके साथ जा रहा हूँ। पेट्रोल पंप पे खड़े हैं वो, अपना पोल्यूशन करा रहे थे बाइक का, और वहीं से टंकी फुल करवा लेंगे हम। भंडारा हो रहा है इस वजह से ये जाम लगा पड़ा है। ओ खड़े पाजी, ये खड़े पाजी, और पाजी रेडियो पेट्रोल डला लिया, उन्होंने डलवा लिया पेट्रोल और पोल्यूशन भी करा लिया, अब हम भी करवा लेते हैं। फुल कर देना जी, नॉर्मल इस समय रेट है 96 रुपये 72 पैसे, 96.72। तो पेट्रोल डला है 842 रुपये का डलेगा, टंकी होगी फुल। चलो भाजी निकल चुके हैं, जय माँ झंडे वाली माता रानी रक्षा करे, हंसते खेलते जा रहे हैं, हंसते खेलते वापस आए और पीछे से भी सब हंसते खेलते हुए रहे। तो इस समय मैं हूँ पंजाबी बाग, पंजाबी बाग से होते हुए आजादपुर से होते हुए सीधा जीटी रोड पे चढ़ जाएंगे। बस इस समय हमने टाइम गलत चूज़ कर लिया निकलने का, 6 बज गए और इस समय बस ये ऑफिस की छुट्टी होगी तो इस समय अब जाम मिलेगा ही मिलेगा। ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ना मेरे को इस समय, एक तो मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, ऊपर से मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ ऐसे दिल्ली से बाहर बाइक पे, मतलब ऑफिशियली बाइक लेके निकला हूँ मैं पहली बारी ट्रिप के लिए। इससे पहले मतलब दिल्ली NCR में तो खूब चलाई है बाइक, मानेसर, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सब जगह चलाई हुई है, बट आज पहली बारी निकला हूँ ऑफिशियली ट्रिप कहते हैं ना जिसको, कि हाँ जी बाइक पर ट्रिप करने जाना है, तो ये वो चीज़ है। वो जो मिले हैं साथ में उनकी बड़ी स्पीड है, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए भाई, दिख ही नहीं रहे मेरे को आगे तक, लेकिन चलो कोई नहीं, जाना तो एक ही तरफ है। तो बता दूं मैं आपको कहाँ जा रहा हूँ कि यकीन मानना, अभी खुद को भी नहीं पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं, अभी तो बस निकल लिए घर से, मतलब जाना शिमला की साइड है, पहाड़ों पे ही जाना है, बट शिमला जाना है, नारकंडा जाना है, उससे आगे जाना है, अभी कुछ पता नहीं, कुछ डिसाइड नहीं करा, अभी मोहाली तक जा रहे हैं, आज मोहाली तक जाएंगे, मोहाली जाके नाइट स्टे करेंगे, मोहाली में इनका घर है जो दूसरे हैं ना बाइक पे मेरे साथ। ओ भैया जाने दो, हमें जाने दो, बहुत दूर जाना है, दिल्ली से थोड़ा बाहर निकल लूँ फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है। तो ये चढ़ गया हूँ मैं जीटी रोड पे, ये लिखा हुआ सामने करनाल सिंगू बॉर्डर, अब पाजी को ढूंढना है पता नहीं पाजी कहाँ चले गए। ये सीधा रास्ता जा रहा है अमृतसर, और देखो ये तो मैं आ भी गया पहाड़ी इलाके में, ये राइट में देख रहे हो सारा वो है पहाड़ी इलाका, दिल्ली का मनाली है, कूड़े का ढेर है। कूड़ों रोक के ना साइड पे एक बारी पाजी से बात कर लूँ यार, कहीं वो पीछे मेरा खड़े हुए वेट करते रहें। वो बाइक का लुक भी दिखा देता हूँ ना, कैसा लुक है बाइक का, कुछ ऐसी लग रही है बाइक। ये बैग एक डाल रखा है और एक ये पिट्ठू बैग है मेरे पास ये झोली में, तो ये है बाइक कुछ ऐसे लुक में। अब पहले पाजी को मैं फ़ोन कर लूँ। हाँ जी गाइस, बड़िया राम राम, छोटे नु प्यार, आज ही रात वे सामने फिर तो एक बार मैं आपका जतिन, और आप देख रहे हो जतिन सचदेवा व्लॉग चैनल। चीक चीक के इस वजह से बोल रहा हूँ, ट्रैफिक जा रहा है ना तो पता नहीं आवाज़ कैसी आएगी, कम ना आए आवाज़, ज़्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम कम कर लेना फ़ोन की, टीवी की, जहाँ पे भी आप देख रहे हो। तो इस समय मैं हूँ जीटी रोड पे, NH1 बोलते थे पहले, अब इसको NH44 बोलते हैं, जो दिल्ली से चंडीगढ़ अमृतसर, उनका वेट कर रहा हूँ, वो पीछे रह गए, आजादपुर मंडी के पास रुक गए थे, वो मेरा वेट कर रहे थे और मैं अपना आगे आ गया, मेरे को लगा वो आगे हैं, उनको लगा मैं आगे हूँ। तो इस बार पहली बारी ट्रिप कर रहा हूँ बाइक पे, होप करता हूँ अच्छे लगेंगे आपको व्लॉग। आ गए पाजी भी, कहाँ रह गए थे? हैं? रोहतांग आ गया, रोहतांग।
हाँ जी गाइस, तो अब आ चुका हूँ हाईवे पे। अपना टॉप ऑफ टॉप 80 की स्पीड पे चल रही है बाइक। अब थोड़ा 50-60 किलोमीटर बाद रुकेंगे। ऐसे लगातार तो जा नहीं सकते, गाड़ी थोड़ा ही रुकना पड़ता है, टांगे सीधी करनी पड़ती हैं और पिछवाड़ा भी दर्द हो जाता है बैठे बैठे। रुक रुक के चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी का एक ही है, कोई ट्रेन थोड़ा छूट रही है। इस हाईवे पे भी एक कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो सारा ट्रैफिक एकदम इतनी सी छोटी सी रोड पे मर्ज होता है, तो थोड़ी स्पीड स्लो हो ही जाती है। एट लेन हाईवे है, 1, 2, 3, 4 और 4 उस तरफ, 8 लेन हाईवे है, लेकिन अब इसको और बड़ा करने की कोशिश है, 10 लेन हाईवे बनाने। जाओ जी जाओ, आपको ज़्यादा जल्दी है। हाईवे पे आप अगर सुबह के बाद निकलोगे ना, 10-11 बजे के बाद, तो आपको ये शिकंजी छल्ली, जो रेत में बुनी हुई छल्ली नहीं होती स्वीट कॉर्न वाली, वो वाली छलियों के स्टॉल बिल्कुल जैसे ही आप जीटी रोड स्टार्ट होगा मुकरवा चौक से, वहाँ से सिंगू बॉर्डर तक आपको मतलब 100 के करीब तो रेड़ियाँ होंगी। बाइक पे होने का फ़ायदा उठाते हुए अपना हॉर्न बजाते हुए निकलते जाओ। अभी तक तो मज़ा आ रहा है बाइक पे, बाकी अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। बाकी देखते हैं कैसे कैसे रहता है ट्रिप। इस तरफ चले जाओगे तो नरेला इंडस्ट्रियल एरिया चालू हो जाएगा। पहले जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो ये हाईवे बंद था, यहाँ अंदर अंदर से जाना पड़ता था गाँव में से, कच्चे रास्तों में से। ये भाई भी लंबे रूट पर जा रहे हैं कहीं, पूरी फैमिली साथ। मुझे तो लगा था रोक लेंगे पुलिस वाले, रोका नहीं है ना। पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, ये अब सिंगू बॉर्डर आ गया सामने, तो ये लास्ट 5-6 पेट्रोल पंप बने हुए हैं दिल्ली के अंदर। उसके बाद जो पेट्रोल पंप आएंगे वो हरियाणा में आएंगे। हम खींच दें इधर से, हम बुलेट पे हैं भाई, बुलेट पे झटके नहीं लगते। बस इसमें यही कमी है, 80 के बाद इसके हैंडल में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आती है। ये कोई कॉपी किताब के कागज़ ले जा रहे हैं भैया। ओहो, पाउडर आ गया, पाउडर। बस बाइक में ये ड्रॉबैक है एक, ये जो धूल मिट्टी है ना, सीधा आपके कपड़ों पे चिपकेगी, आपके सामान पे, आपके चेहरे पे, ये ड्रॉबैक है बाइक ट्रिप्स का। ये ना तो पुलिस वालों की वर्दी चेंज होगी, और ये हरियाणा पुलिस है। वो पकड़ लिया पाजी को, पकड़ लिया और है सामने। पाजी फिर गायब, क्या बात है जी। लेकिन चलो कोई नहीं, हम अपना आराम से चलेंगे। 19:12, 7:12 हो चुके हैं, 7:15, फिर भी टाइम से पार कर लिया हमने। मैं तो सोच रहा था 7:30-8 बज जाएंगे ये वाली जाम वाली जगह पे। 80 पे ही चल रहा हूँ घर वालों के लिए। ये दिख रही है ना सुई, सेंटर में है तो मतलब 80 पे है। थोड़ा पास कर दूँ ये लोग। मतलब मेरे घर वालों को बड़ी टेंशन होती है, उनको लगता है वो साथ नहीं है तो मैं रैश ड्राइविंग ज़्यादा करता हूँ, बट ऐसा है नहीं, मुझे अपनी भी जान की परवाह है, मरना थोड़ा है। तो ये मुरथल पहुंच चुका हूँ। जय शिव शंभू, जय हनुमान, जय श्री राम। ये गुलशन ढाबा, ये मन्नत ढाबा, ये जो खेत पड़े हैं ना ये नीचे, तो करोड़ों अरबों रुपए की मुंह मांगी कीमत मिलेगी, मुंह मांगी। मुरथल का तो ऐसा सीन है दोनों तरफ। मुरथल की एक खास बात ये है कि यहाँ पे जितने भी ढाबे हैं सब प्योर वेज हैं, किसी पे भी आपको नॉन वेज, अंडा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ये अमरीक सुखदेव, हाँ रुका था, ये अमरीक सुखदेव देख सकते हो मेरे सामने, फ़ोटो खींच ली। वो पाजी से पूछा, वो तो आगे चले गए, वो कह रहे हैं पानीपत का टोल क्रॉस करके रुकेंगे, तो बस यहाँ पे फ़ोटो खींच ली, इंस्टाग्राम पे मैंने डाल दी है। तो जो नहीं करता फॉलो इंस्टाग्राम पे, वो फॉलो कर ले और जाके देख सकता है। ऐसे जब ट्रिप्स पे निकलता हूँ ना तो इंस्टाग्राम पे ही सबसे पहले अपडेट आता है। और है 19:28, 7:30 बजे हम मुरथल क्रॉस कर रहे हैं।
अब क्या इस पे भी फास्ट टैग चिपकाओगे भैया? तो ये हर टोल पे ना बाइक्स के लिए अलग से छोटी सी लाइन बनाई होती है, तो अगर आप बाइक पे आओगे तो आपको यहीं से ही जाना पड़ेगा और कोई आपको कुछ कहेगा नहीं कि टोल दो या कुछ दो, अपना आराम से निकल जाओ। आहा, मज़ा आ गया। तो पानीपत बस आने वाला है, मतलब आ ही गया पानीपत। ये जो है ना पार्क हॉस्पिटल सामने देख रहे हो आप, ये निशानी है पानीपत की। बहुत घटिया निशानी है हॉस्पिटल की निशानी, लेकिन फिर भी ये पार्क हॉस्पिटल आ गया तो समझो पानीपत आ गया। ये फ्लाई ओवर उतरता ही हलचल चालू हो जाएगी पानीपत के ट्रैफिक की। ये गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, खाटू श्याम जी का, जय श्री श्याम। इनका एक भजन है वो बहुत पसंद है मेरे को, और है भी वो बहुत बढ़िया, कन्हैया मित्तल ने गाया है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जी तू गा एक दिन ये दिल मेरा कहता है। अब मैं वो सुर में तो गा नहीं सकता ना तो इस वजह से। और वो पाजी को अभी तक मैं पकड़ नहीं पाया, जैसा मैंने बताया था वो वहीं मिलेंगे। उसके बाद उनको कहता हूँ साथ साथ चल लो यार, क्यों तुमने हायाबुसा बनाई हुई है अपनी। उनके पास वो है बजाज अवेंजर 220 है दो, और मेरी है 350 cc, 350 cc पीछे है, 220 cc आगे है। बताओ कितनी नाइंसाफ़ी है। अपने तरीके से चलना चाहिए, उनको अगर लग रहा है वो कंट्रोल कर सकते हैं तो वो भगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे को जितना लग रहा है मैं जितनी स्पीड में कंट्रोल कर पाऊँगा मैं उतना भगा रहा हूँ। ये पानीपत 4 किलोमीटर, अम्बाला 114, चंडीगढ़ है 152। ये पूरा पानीपत सिटी का बाईपास है। अब ये बिल्कुल बिल्कुल कोई कट नहीं आएगा इसमें, ये सीधा आपको पानीपत टोल पे ले जाएगा पानीपत पार। ये पानीपत का डेरा बाबा जोध सचियार गुरुद्वारा है ये, इसकी भी कहते हैं बहुत मान्यता है। ये नीचे सारा पानीपत शहर है, ये नीचे जो मार्केट है ना पूरी, यहाँ पे एक टाइम पे मतलब 100 दुकानें इस तरफ होती होंगी, 100 दुकानें उस तरफ अचार वालों की। पानीपत पचरंगा अचार, फार्म फ्रेश पचरंगा, ऐसी दुकानें होती थी भाई साहब, 100 दुकानें, उससे भी ज़्यादा ही होती हैं। फार्म फ्रेश पचरंगा एक दुकान है, अभी मेरे को दिखी कैमरे में, रिकॉर्ड हुई कि नहीं पता नहीं, एक दुकान है फार्म फ्रेश की। हाँ है, एक दो हैं, लेकिन पहले तो ये जितनी हैं सारी दुकानें वही होती थी। और वो क्या करते थे, जैसे ही मतलब गाड़ी रुकती थी ना तो मालिक, दुकान का मालिक गद्दी से उठ के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था, आओ बाबू जी आओ बाबू जी, मुझे अच्छी तरह याद है। आज की डेट में कोई दुकानदार खड़ा होता है ऐसे अपनी गद्दी से हाथ जोड़ के, तब का ज़माना अलग था। और वो खड़े इस वजह से होते थे कंपटीशन कि हमारे पास आए गाहक। तो मिल गए पाजी फाइनली। कितनी स्पीड पे चल रहे हो? हाँ मैं 80 पे चल रहा हूँ। इस समय मौसम ठीक है, इस समय गर्मी नहीं लग रही, वहाँ जाम में ही पसीने आ रहे थे हेलमेट के अंदर जैसे बताया। और अब इसकी बैटरी भी चेंज करनी है। अब ये 220 ही है ना? हाँ 220 ही, वही मैं कह रहा था, 220 cc आगे भाग रही है, 350 cc पीछे है। यहाँ से निकलते हैं, मैंने घर पे बात कर ली, पाजी अपने घर पे बात कर रहे हैं, फिर निकलते हैं। मज़ा आ रहा है अभी तक तो बाइक ड्राइव करके, बाइक राइड करके, ड्राइव तो कार होती है बाइक राइड होती है। तो ये पानीपत का टोल क्रॉस कर लिया है, वो भी फ्री में, जैसे वहाँ पे छोटी लाइन थी यहाँ पे भी है, वो बंद हो गया था कैमरा, बैटरी डेड हो गई थी, तो बस अब फिर निकलने को तैयार हैं, चलते हैं अपना। ये इसलिए रख रखा है ताकि ये बैग आगे स्क्रैचेस ना मार दे। चलो जी, मतलब वही है, मैं 80 पे चल रहा था वो 90-100 पे चल रहे थे, ये डिफरेंस है बस। बोले गया ना कुरुक्षेत्र करनाल अम्बाला कैंट गरौंदा के लिए लेफ्ट जाना है। तो ये एक और टोल आ गया, ये टोल है करनाल का, पिछला टोल वो मुरथल का था फिर पानीपत का, ये है करनाल का, ये है 125 का, लेकिन हमारे लिए क्या 1000 रुपये का हो टोल, हमें क्या, हम तो देखो ऐसे VIPs की तरह निकल रहे हैं यहाँ से। खड़े रहो खड़े रहो,
यार होनी चले सीधा। तो ये टोल भी पार हो गया करनाल वाला, अब आगे करनाल सिटी आ जाएगी, फिर कुरुक्षेत्र आ जाएगा। ठीक है ना, अम्बाला कैंट जगाधरी इधर, अमृतसर चंडीगढ़ सीधा। तो ये अम्बाला कैंट का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे दिन में शायद साफ से दिखता, अभी भी कोशिश कर देता हूँ। इस ट्रक के पीछे पीछे ही चलना पड़ेगा, ओवरटेक कर दूंगा तो फिर नहीं दिखेगा। ये देखो ये लिखा हुआ अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन। तो ये अम्बाला कैंट का ना बिल्कुल हाईवे पे ही बना हुआ है। ये है अम्बाला, ये जग्गी सिटी सेंटर बहुत अच्छा है, यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शंस बहुत हैं। ये रुक गए भाई रुक गए। वो अपनी ब्रेक चेक कर रहे हैं, अपना बैग टेढ़ा हो गया तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी देर बाद रुकते रहना चाहिए 50-100 किलोमीटर बाद। तो चल दिए यहाँ से, ये त्रिशूल से। अब देखो ये लिखा हुआ बोर्ड, त्रिशूल बस पार करता ही है चंडीगढ़ शिमला लेफ्ट ये इस वाले रोड पे, और सीधा चला जाएगा आपका अमृतसर। ये रोड देख रहे हो कैसा है, ये लाइनें लाइनें ऐसी, ये बहुत खतरनाक है। 40 पे आ गए हम, बहुत ही खतरनाक। देखो ये टायर अपने आप ही ऐसे हो रहा, पूरा फ्लाईओवर ऐसे क्राइम। 10:01 6:45 बजे हम पेट्रोल डलवा रहे थे, तो 4 घंटे में हम यहाँ पे आ गए। तो सही है, इतने में तो लोग गाड़ी में भी नहीं आ पाते। ये देखो ये रहा सेठी ढाबा, और ये शुद्ध वैष्णो है। मेरे को लगा वेज एंड नॉन वेज दोनों है यहाँ पे, वो साथ वाले में हाईवे वाले में, ये शुद्ध वैष्णो है। तो ये पहुंच चुके हैं सेठी ढाबा पे। तो पाजी भी सेम बात कह रहे थे जो मैंने आपको बताई, कि गाड़ी में भी इतना बंदा 4 घंटे में नहीं पहुंच सकता चंडीगढ़, है ना। इनको अगर ऐसे पहली नज़र देखो तो लगता है बंदे खड़े हैं। यहाँ पे देखो ये मेन्यू है, ये टफली में और रेट भी वाजिब है यहाँ के। चलिए डिनर कर लिया अपना, अब निकल रहे हैं यहाँ से सेठी ढाबे से। कहाँ जाना है, मोहाली है पाजी, मोहाली मोहाली जाना है, फिर वहाँ नाइट स्टे करेंगे, फिर सुबह देखते हैं कहाँ जाना है। अभी तक वो भी डिसाइड नहीं हो पा रहा। कोई बंदा कह रहा है शिमला, कोई कह रहा है नारकंडा, कोई कह रहा है मनाली, वो सवेरे पता लगेगा। चलो अब ये आ गए हम, ये घर है जी। हाँ जी भी गाइस, तो एकदम गुड मॉर्निंग होगी, तो गुड मॉर्निंग सबको। तो रात को मैं एंड करना भूल गया था व्लॉग को, तो अब एंड करता हूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब यहाँ से निकलेंगे, मोहाली में हूँ इस समय मैं, मोहाली से अब निकलेंगे शिमला की तरफ। तो क्या करते हैं, कैसे जाते हैं, कौन कौन जाते हैं, अभी 2-3 बंदे और जाएंगे हमारे साथ, वो सब आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इस पार्ट को लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो का बटन दबा के पेज को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी, बाय बाय, जय हिंद, रब रब।